नमस्कार, स्वागत आप सभी का मरुधर बुलेटिन में। मैं दीपिका झांगड़ आपके साथ। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में बुधवार सुबह 11 बजे स्टूडेंट्स ने विरोध करते हुए अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने पहले वीवी के ओल्ड कैंपस और उसके बाद कलेक्ट्रेट पर जाकर प्रदर्शन किया है। स्टूडेंट्स ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए फीस लौटाने और माफी करने की मांग रखी। ओल्ड कैंपस परिसर में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में हजार स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में यूनिवर्सिटी में सेवाएं नहीं दी गई, इसके बावजूद शुल्क लिया गया वह वापस किया जाना चाहिए। वीवी से स्टूडेंट्स रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के जुटने से कलेक्ट्रेट के बाहर ट्रैफिक जाम हो गया था। कलेक्ट्रेट के आगे जाम लग गया, वहीं वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। स्टूडेंट्स ने अपनी कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट इंद्रजीत सिंह को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से स्टूडेंट्स ने कहा है कि कोविड के दौरान कॉलेज बंद रहे, उसके बावजूद भी हमसे फीस वसूली जा रही है, जो कि सरासर गलत है। कई बार हर एक क्षेत्र में, हर एक उपखंड पर, हर एक जिला मुख्यालय पर जब ज्ञापन दिया गया तो राज्य सरकार ये गहरी नींद में सो रही है और ये चाहती है कि युवा तिलमिलाए, वो सड़कों पर आए। तो लो, हमने ये भी मुरीद पूरी कर ली। अगर समय रहते, अगर आप नहीं चेते, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हमें जयपुर की ओर कूच करना पड़ेगा और पूरा राजस्थान एक साथ कूच करेगा। सरकारें तैयार रहे। नहीं, इसमें जिम्मेदारी बनती तो है नहीं आपकी, आप पूरे हैं कि कोरोना फैल रहा है। की जहाँ जहाँ बात आएगी, रविंद्र हमेशा वहाँ पे खड़ा मिलेगा, एक साथ मजबूती से। जय हिंद, जय भारत।